वीडियो 3, राइट इन अ जर्नल। हम काफ़ी बार देखते हैं, बचपन से हम बहुत सारी चीज़ें लिखते आ रहे हैं, पोइट्री, शायरी, जोक, या कहीं ना कहीं आजकल हम एक दूसरों को थैंक यू का मैसेज करते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। हमारे एटीट्यूड में इतना हम्बलनेस होता है, हम पॉजिटिविटी से लोगों को थैंक्स, सॉरी, एक्सक्यूजेस या बहुत सारी चीज़ें हम पॉजिटिव एलिमेंट में उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपना प्यार, अपनी मोहब्बतें, अपने बहुत सारे लोगों के साथ और दूसरों के साथ कैरिंग और शेयरिंग शेयर कर रहे होते हैं। सो ये भी एक लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो यही सारी आपकी सक्सेस स्टोरी आप कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होते हैं। तो आप अगर एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना लें अपना, आप एक जर्नल बनाएं अपना कि जहाँ आप लिखें कि आपके पास आपकी जो फीलिंग है, या कहीं ना कहीं आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को आप एक जर्नल में लिखना शुरू कर दें और फिर उसको बर्न कर दें या उसको अलग से फाड़ दें, या पॉजिटिव फीलिंग्स को आप लिख के संभाल के रखें, पॉजिटिव संभाल के रखें, नेगेटिव को आप फेंक दें, क्योंकि इस चीज़ को कैंसलेशन आपके ब्रेन से होना ज़रूरी है। सो आप अपने दो जर्नल रखें, एक जर्नल रखें जहाँ पॉजिटिव प्रैक्टिस कर रहे हों डेली लाइफ के। सो लाइफ की इन्हीं प्रैक्टिसेस से, जर्नल से आपके पास फ़ायदा क्या होगा, आपके पास कलेक्शन ऑफ थॉट्स आपके पास मौजूद हो जाएगी, आपके पास आपकी रियल स्टोरीज। अगर आपसे पूछेगा आपकी कामयाबी का क्या राज है, तो आप बता सकते हैं मेरी ये स्टोरी है, मेरी ये स्टोरीज़ हैं, मैंने इस दिन ये फील किया था। कभी कभी, काफ़ी बार ये भी होता है मेरे साथ कि हम अपसेट हुए होते हैं या हम उदास हुए होते हैं, तो आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल आपको ही पॉजिटिव चीज़ें फराहम कर रहा होगा और आप उससे देखेंगे कहानी। जैसे मैं सुनाता हूँ कि मैंने काफ़ी बार काफ़ी लोगों की हेल्प की है, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, चाहे वो इधर कंप्यूटर्स का हो, चाहे उनके विंडोज़ में ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं, या उनके कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस या आइडियाज़ उनको ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, या कहीं ना कहीं लोगों को आपस में मिला देने होता है। जिस तरह मेरा एक फ्रेंड है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो स्टूडेंट है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलना चाह रहा है, अपने कैरियर के बारे में पूछना चाह रहा है, या कहीं जॉब के सिलसिले में उसकी कहीं ना कहीं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मुलाकात हो जाए। तो मेरा दोस्त है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैंने उसका नंबर फॉरवर्ड कर दिया और उसने उससे कॉन्टैक्ट कर लिया, तो ये कनेक्शन बिल्ड करना, और उसने मुझे थैंक्स किया, तो यही थैंक्स मैंने अपनी जर्नल में लिख लिया। सो लाइफ के एलिमेंट ऑफ थिंग्स में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन जहाँ आप कर रहे होते हैं, तो आपके कम्युनिकेशन में बहुत पावरफुल है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वीडियो कि हम किस तरह और मज़ीद पॉजिटिव अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं।